कौमी असम्बली में अपोजिशन का शदीद हंगामा और एहतजाज। ख्वाजा आसिफ की तकरीर के दौरान अपोजिशन अराकीन की नारेबाजी। JUI के अराकीन भी मुजाहरे में शामिल। अपोजिशन अराकीन का स्पीकर डाइस का घेराव। अपोजिशन के ऑपरेशन नामंजूर के नारे। वजीर दिफा को तकरीर रोकना पड़ गई। अपोजिशन ने ख्वाजा आसिफ को फ्लोर देने पर एहतजाज किया। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि मैं बोलूंगा, मुझे कोई रोक नहीं सकता। ऐवान में ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी। अकलियतों का तहफ्फुज़ रियासत की जिम्मेदारी है। अकलियतों के खिलाफ बढ़ते वाकयात कौम के लिए शर्मसारी का बायस हैं। इस मसले पर हाउस में इत्तेफाक राय होना चाहिए। अपने कल्चर का जो है, अपनी असलियत का जो है मुजाहरा कर रहे हैं कि इनकी एक्चुअली सियासी औकात क्या है। कल की मीटिंग के अंदर इनके खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला वहाँ पे मौजूद थे, उनके सामने ये सारी बहस हुई, उसके सामने ये रिजॉल्व किया गया कि ये इकदाम उठाए जाएंगे दहशत गर्दी के खिलाफ। ओपोजिशन गालियां देती है, हाउस की तस्दीक करती है, इन लोगों को शर्म आ रही है ना हया। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि ये लोग गाली और तशद्दुद की सियासत करना चाहते हैं। ओपोजिशन जाती मफादात का तहफ्फुज कर रही है। एपेक्स कमेटी का मामला काबीना में लेकर जा रहे हैं। ओपोजिशन अपनी असलियत जाहिर कर रही है। ओपोजिशन मुजाहरा करके दहशतगर्दों के साथ खड़ी है, ये शोहदा के खिलाफ खड़े हैं। हिजब इख्तलाफ में मौजूद बहुत सारे अराकीन मुझसे टिकट मांगते थे, हमारे टिकट ना देने पर ये लोग इस पार्टी में चले गए। इनका लीडर भी पैंथरे बदलता था, ये कल भी 9 मई वाले थे, आज भी 9 मई वाले हैं। एपेक्स कमेटी में आपके वज़ीर आला थे, उन्होंने बात नहीं की, चारों सूबों को पाबंद किया जाए, फौरी एक्शन ले। वफाकी वज़ीर कानून आजम नसीर तारड़ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। बोले कि रियासत की रिट कायम होनी चाहिए, इससे किसी की सियासत को कोई नुकसान नहीं होगा। कल एपेक्स कमेटी में जो फैसला हुआ वो आपके दौर में बनी थी। हमारा वज़ीर आजम आपके दरमियान बैठेगा, आपके वज़ीर आजम की तरह नाराज नहीं होगा। ऑपरेशन हो, चाहे वो इंटेलिजेंस बेस हो, चाहे वो फुल फ्लेज ऑपरेशन हो, चाहे वो सर्टन डिस्ट्रिक्ट में हो, चाहे वो की खास तहसील में हो, उसके लिए इस पार्लियामान को इत्मीनान में लेना जरूरी है। किसी भी ऑपरेशन से पहले पार्लियामान को इत्मीनान में लिया जाए, PTI रहनुमाओं की मीडिया से गुफ्तगू। बैरिस्टर गोहर ने कहा कि कोई भी एपेक्स कमेटी पार्लियामेंट से बालादस्त नहीं हो सकती। पार्लियामान को एतमाद में लिए बगैर ऑपरेशन शुरू नहीं किया जाए, उसी नुक्ते पर पॉइंट ऑफ ऑर्डर लाना चाहते थे, मुतालबा नहीं माना गया। असद कैसर ने कहा कि हम किसी भी ऑपरेशन की हिमायत नहीं करते, कोई फैसला या मुआहदा हुआ है तो पार्लियामेंट में लाया जाए। उमर अयूब बोले कि वानी PTI ने बार बार कहा किसी और की जंग में खुद को नहीं धकेल सकते, CPAC के हवाले से सिक्योरिटी इश्यूज पर समझौता नहीं कर सकते, मुल्क में रूल ऑफ लॉ होगा तभी मुल्क तरक्की करेगा। PTI रहनुमा असद कैसर की फजलुर रहमान से मुलाकात। मुल्क की मजमू सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल पर इजहार तशवीश। कौमी असम्बली में भरपूर अपोजिशन का किरदार अदा करने पर इत्तेफाक। दोनों रहनुमाओं ने बजट को IMF बजट और आवाम दुश्मन बजट करार दे दिया। मुलाकात में दोनों जमातों के दरमियान सियासी कमेटी कायम करने का फैसला। कमेटी तहफ्फुज़ात को दूर करने और सियासी हिकमत अमली के लिए नुकात का तायुन करेगी। हुकूमत ने पीपल्स पार्टी के तमाम मुतालबात मान लिए। नून लीग और पीपल्स पार्टी की मुजाकराती कमेटियों का इजलास खत्म। मुजाकरात का तीसरा दौर वज़ीरे आज़म हाउस में हुआ। तरक्याती फंड्स और पंजाब में इंतजामी ओहदों पर भी पीपल्स पार्टी को तरजीह दी जाएगी। कल बिलावल भुट्टो जरदारी को मुजाकरात की तफसीलात से आगाह किया जाएगा। कोई वजीर जाए, उनसे बात करे, उनको लेके आए। ये रवायत है इस पार्लियामेंट की, वो आते हैं नहीं आते हैं, मगर हम अपनी रवायतों को उस पार्लियामेंट को मजबूत और मुस्तकम बनाए रवायतों से। तो ये मेरी गुजारिश है, जो चीज भी दरख्त तो गलता है हम लगाते हैं, उसका मसला जड़ से होता है कि जड़ लगी नहीं लगी। जड़ लगी तो हरा भरा भी होगा और फल भी देगा, अगर जड़ नहीं लगी, जड़ में कोई मुश्किल है तो न हरा भरा होगा न दरख्त बनेगा। मुश्किल हालात और मुश्किल बजट आवाम की मुश्किल में मजीद इजाफा करेगा। पार्लियामेंट की रिवायत को बरकरार रखना चाहता हूँ। अपोजिशन को हर बात पर एतमाद मिलेंगे। पीपल्स पार्टी रहनुमा
खुर्शीद शाह ने कहा कि मुल्क का सिस्टम जुग्राफियाई और आबादी के हिसाब से बनता है। जुग्राफियाई हदूद पहले वाली हैं, मगर आबादी में 22 करोड़ का इजाफा हुआ। 2030 तक हमारी आबादी 40 करोड़ तक पहुंच जाएगी। आबादी पर कंट्रोल किया जाए तो बेहतर बजट बन सकता है। हर साल हम कशकोल तोड़ने और IMF के पास जाने के दावे करते रहेंगे। हुकूमत ने मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ाकर उस पर टैक्स लगा दिया। कुछ पार्टी इस वक्त बजट से कुछ नाराज नजर आ रही है, क्या कामयाब हो रही जी? वो रात को सुलह हो गई है, उन्होंने ऐलान कर दिया है कि हम बजट में भरपूर साथ देंगे मुस्लिम लीग नून की हुकूमत का। फाक में हुकूमत बहुत सारे बोझ हैं। पहले आपको पता है कि हमारे डिफ़ॉल्ट होने का ख़तरा था, वो अल्लाह का शुक्र है। अब हमारे पे बोझ बहुत है, लोन का बोझ बहुत है, फिर IMF के पास जाना पड़ रहा है, तो उस वजह से कुछ मुश्किल फैसले करने पड़े हैं। पीपल्स पार्टी से सुलह हो गई, वो बजट में हुकूमत को भरपूर साथ देंगे। साबिक अपोजिशन लीडर राशा रियाज ने कहा कि विफाक पर कर्जों का बहुत बड़ा बोझ है, जिसकी वजह से बजट में मुश्किल फैसले किए। अदम एतमाद के दौरान मेरी जनरल बाजवा से कोई मुलाकात नहीं हुई, मुझे तो बुलजार से बहुत मसाइल थे, जिस पर अदम एतमाद का कदम उठाया। मुझसे किसी जनरल ने नहीं, सिर्फ शहबाज शरीफ ने अदम एतमाद के लिए रब्ता किया। चेयरमैन PTI जल्द जेल से वापस नहीं आ सकते। मोहम्मद जुबैर ने सस्ती शोहरत के लिए ऐसा बयान दिया। ओपोजिशन के किसी एहतजाज या किसी अलायंस से हुकूमत को कोई खतरा नहीं। सवात वाक़े में मुलविस अफराद के खिलाफ ऑपरेशन में तेजी, 40 अफराद गिरफ्तार। पुलिस ने मुलजिमान की शनाख्त वीडियोज और तस्वीर की मदद से की। गिरफ्तार अफराद के खिलाफ थाने पर हमले और जलाओ घेराव का मुकदमा दर्ज था। मुलजिमान को तहकीकात के लिए नामालूम मकाम मुंतकिल कर दिया गया। 20 जून को मुश्तिल हुजूम ने तौहीन मजहब पर एक शख्स को जला दिया था। मदीन वाक़े पर JIT ने काम शुरू कर दिया। SP इन्वेस्टिगेशन का कहना है कि वाक़े से मुतालिक 2 FIR दर्ज हैं। मदीन वाक़े में थाने को नुकसान पहुंचा, कई गाड़ियों को भी जला दिया गया। अब तक 22 नामजद मुलजिमान गिरफ्तार किए जा चुके। आज़ाद कश्मीर में FC तायुनात करने की मंजूरी। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर की दरख्वास्त पर वज़ीर-ए-दाखिला मोहसिन नकवी ने मंजूरी दे दी। मोहसिन नकवी का कहना था कि आज़ाद कश्मीर में क़याम अमन के लिए हर मुमकिन तआवुन किया जाएगा। आज़ाद कश्मीर में सिक्योरिटी से मुतालिक इंतजामात को बेहतर बनाया जाएगा। हुकूमत पाकिस्तान, आज़ाद कश्मीर हुकूमत और आवाम के साथ खड़ी हुई है। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर ने मसाइल के हल के लिए फौरी इकदाम पर वज़ीर-ए-दाखिला मोहसिन नकवी का शुक्रिया अदा किया। जमात इस्लामी का लोड शेडिंग के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। लाहौर में कॉलेज रोड पर महंगी बिजली और लोड शेडिंग के खिलाफ मुजाहरा। मुजाहरीन के हुकूमत के खिलाफ नारे। मुल्तान में अब्दाली रोड पर जमात इस्लामी का महंगी बिजली टैक्सों के खिलाफ एहतजाज। बुरेवाला में जमात इस्लामी की हुकूमत के खिलाफ प्रेस क्लब तक रैली। मुकर्रीन का कहना है कि लोड शेडिंग और बिजली के बिल्स के इजाफे ने गरीब की कमर तोड़ दी। शहरियों का हुकूमत से बिजली की कीमतें कम करने का मुतालबा। कराची में भी तमाम अजला और टाउन की सतह पर एहतजाजी मुजाहरे किए जाएं। मुजाहरे बड़ी शहराओं, चुरंगियों और अहम पब्लिक मकामात पर होंगे। प्री मानसून के बाद सूरज का पारा फिर हाई। गर्मी की नई लहर से तुर्बत और दादू का दर्जा हरारत 44 सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। लाहौर का टेम्परेचर भी 40 डिग्री तक पहुंच गया। मरी में गरज चमक के साथ बारिश, मौसम खुशगवार। महकमा मौसमियात के मुताबिक बालाई इलाकों समेत कराची और बलोचिस्तान के साहली इलाकों में बारिश का इम्कान। कराची में शाम के वक्त बारिश का इम्कान है। 1 जुलाई से पंजाब में मानसून बारिशों का सिलसिला शुरू होने की पेशगोई। रवां साल मानसून बारिशें 35% तक जायद होने का खतरा है। बालाई पंजाब, वसी पंजाब और जनूबी पंजाब में गरज चमक के साथ जोरदार बारिशें मुतवक्के हैं। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। इस्लामाबाद में कश्मीर चौक के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला, 3 मुलजिमान हलाक। मुलजिमान की साथी खातून को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। 4 रुकनी चोरों का गिरोह मरीज से इस्लामाबाद आ रहा था। इतला मिलने पर पुलिस ने नाकाबंदी कर रखी थी। पुलिस ने दावा किया है कि उन्हें देखते ही मुलजिमान ने फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में 3 मुलजिमान हलाक हो गए, जबकि खातून जख्मी हो गई। मुलजिमान से चोरीशुदा गाड़ी, असलहा और नंबर प्लेट्स बरामद।